समय से मेहनत करना शुरू कर दिया और आज जो है सो आपके सामने है। नहीं, आप बहुत अच्छी बात बोले। देखिए क्या होता है कि श्रोतागण बहुत भगवान के रूप में गिने जाते हैं। कोई भी शख्स को अगर मार्केट में हिट करना होता है तो अपना मेहनत तो होता ही है, श्रोता का भी प्यार मिलना उतना ही बड़ी बात होती है। तो आप कौन ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिला जहाँ से आप 2-3 हिट गाना मार्केट में दे चुके? देखिए एक्चुअली मैं अभी तक जो भी मैं गाना गाया हूँ, मेरे बहुत अच्छे मित्र, मेरे परम मित्र जो कि मेरे लेखक हैं, कलम के जादूगर, जाने माने हस्ती तो नहीं है, हालांकि कोई भी सबसे पहले माँ के गर्भ से कोई बच्चा हिट होकर नहीं आता है, धरती पर आने के बाद ही वो उस मुकाम पर जाता है जहाँ के लिए वो हमेशा ललायित होता है। तो मेरे हर एक प्रोजेक्ट के राइटर नीतीश ठाकुर जी, जो कि आरा के रहने वाले हैं, आप शायद आरा जिला को जानते होंगे। जी जी, बहुत अच्छी तरह से। तो आरा जिला के रहने वाले हैं और उन्होंने ही एक मेरा गाना लिखा था, सबसे पहले बहुत अच्छा एक गाना लिखा था, उस गाने को मैंने गाया म्यूजिक डायरेक्टर शंकर सिंह के पास और लोगों का प्यार सुने गुलाब मिला, सभी ने काफी पसंद। बहुत बड़ी बात बोली और बहुत अच्छी ही बात बोली कि कोई पेट से ही हिट होकर नहीं आता है, लेकिन भगवान का आशीर्वाद रहा, जनता का आशीर्वाद रहा, तो आप भी मार्केट में कहीं हिट होइएगा, ये मेरे भगवान से दुआ है। मैं चाहता हूँ कि वो पवन सिंह का गाना जो देवी गीत था जरा आप गुनगुना दे। तो एकदम एकदम सर, क्या बात है। मुझे मेरे परिवार को मेरे से काफी आशा था, हालांकि जिससे आशा होता है आशा बहुत